हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उसका एक एग्जांपल पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम पहले इससे फर्स्ट वीडियो में हम एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं वो पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसको सिंपली जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस तरह की फॉर्म होती है, इक्वल टू जीरो, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट के लिए क्या चेक करते हैं? एग्जैक्ट के लिए चेक करते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, और ये कंडीशन होल्ड कर रही है। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो उस कंडीशन में हम उसको सॉल्व करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है वो, और उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले निकालते हैं सबसे पहले हम यू एक्स वाई। यू एक्स वाई क्या होता है? जो वो होता है एम, जो होता है जो एक्स और वाई का फंक्शन होता है, और उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स के करस्पॉन्डिंग, और वाई को हम एज अ कॉन्स्टेंट एज्यूम करते हैं। स्टेप सेकंड होता है पार्शली डेरिवेटिव। जो यू एक्स वाई है इसको हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, और एक्स को हमें एज अ कॉन्स्टेंट लेना होता है। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं वी वाई। वी वाई क्या होता है हमारे पास? एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई और डॉट डी वाई, ये होता है। फिर ये निकालने के बाद हम पुट द कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या होता है? यू एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल टू सी, यानी यू एक्स वाई जो हमने निकाला प्लस वी वाई जो निकाला इक्वल टू सी, ये जो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। अब हम सॉल्व करते हैं फिर इससे। सॉल्व एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करना है, तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा हमारे पास एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने क्या किया है, डी वाई और डी एक्स की टर्म को हमने अलग अलग करने की कोशिश की है, और यहाँ तक हमने सिर्फ यही काम किया है कि ये हो जाए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, वाली टर्म में चेंज हो गया। उसके बाद हमने क्या चेक किया है, ये इसको एम है, ये एम है हमारे पास, ये एन है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स चेक करना है हमें। तो फिर कंपेयरिंग, इससे कंपेयर करने पे एम बराबर क्या था? एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एन बराबर था वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने इस एम को हमें वाई के करस्पॉन्डिंग डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट, क्योंकि एक्स को एज ए कॉन्स्टेंट फी लेना है हमें। तो इसको हमने इंटीग्रेट किया एक्स को एज ए कॉन्स्टेंट, तो इसका तो हमें जीरो हो जाएगा क्योंकि ये एज ए कॉन्स्टेंट ले रहे हैं। सिर्फ इस टर्म का करना है, तो इस टर्म का करेंगे हम। तो हमने पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लीव किया, क्योंकि हमने इसको लिख लिया है इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इनवर्स ए स्क्वायर वाई, यानी अब हमने मल्टीप्लाई वाला रूल लगाया, फर्स्ट डॉट सेकंड रूल। हमने यू और वाई वी वाला फॉर्म नहीं लगाया, तो हमने लगाया फर्स्ट डॉट सेकंड वाला रूल। तो ये हो गया, यानी यू डॉट वी वाला बोल सकते हैं, यू डॉट वी वाला फॉर्म से लगाया। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इनवर्स इसको लीव किया, और इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया ए स्क्वायर वाई को, तो ए स्क्वायर वाई का सिंपली डिफ्रेंशिएटर ए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या किया हमने, ए स्क्वायर वाई को लीव किया और इस टर्म का हमने डिफ्रेंशिएशन किया, तो ये हो गया हमारे पास माइनस साइन बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट फिर अंदर का होगा तो वो टू वाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। इसी तरह डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला, तो वो भी हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास, जो कि डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स शो कर रहा है, जो कि डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स है। सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने लिया है नाउ यू एक्स बराबर, हमने यू एक्स एक्स वाई निकालना है, वो क्या निकालते हैं? एम का हम पार्शली एम का हम इंटीग्रेशन करते हैं करस्पॉन्डिंग एक्स के, और एज्यूम करते हैं कि वाई जो है वो कॉन्स्टेंट है। उसको हम वाई को कॉन्स्टेंट एज्यूम करते हुए हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया एक्स एक्स डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, और इसका इंटीग्रेशन ये हो गया हमारे पास एक्स अपॉन वाई, इसको नीचे ले गए क्योंकि वाई एज अ कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई डॉट वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब हमें क्या करना है, इसको हमें करस्पॉन्डिंग टू वाई पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है, एज्यूम करना है हमें कि एक्स जो है कॉन्स्टेंट है। पहले हमने क्या एज्यूम किया था कि वाई जो है कॉन्स्टेंट है, अब एज्यूम कर रहे हैं हम इसमें एक्स एज अ कॉन्स्टेंट। तो एक्स एज अ कॉन्स्टेंट हमने एज्यूम करके इसको सॉल्व किया है,
तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला, तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर आ गया माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया फ्रेंड्स। तो हमें फिर वी वाई बराबर क्या होता है, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो एन माइ एन क्या था, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से हमें माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ओनली बच गया हमारे पास वाई डॉट डी वाई, यानी वाई स्क्वायर प्लस टू। तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है वो होता है यू एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल टू सी। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, जो कि यू एक्स वाई था, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सी। यानी कि अब हमने टू का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देने पर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी, ये इसका हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया।